हे मातू गंगे, देवताओं और राक्षसों से वंदित, आपके दिव्य चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्यों को नित्य ही उनके भाव अनुसार मुक्ति और भक्ति प्रदान करते हैं। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। गंगा जी देव नदी है, वे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए धरती पर आई है। दशमी शुक्ल पक्षे तू जेठ मासे बुधे हनी अवतरिणा यथा स्वर्ग अद सत्शे च सरी द्वारा। धरती पर उनका अवतरण जेठ शुक्ल दशमी को हुआ, अतः यह तिथि उनके नाम पर गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तिथि को यदि सोमवार और हस्त नक्षत्र हो तो यह तिथि सब पापों का हरण करने वाली होती है। इस दिन स्नान दान रूपात्मक व्रत होता है। इस दिन सुबह सवेरे गंगा स्नान करते हैं और गंगा जी में दूध तथा पताशे चढ़ाकर गंगा जी की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा जी में सामर्थ्य न हो तो समीप की किसी पवित्र नदी या सरोवर के जल में स्नान कर मकर वाहिनी गंगा जी का ध्यान करें और निमन मंत्र से आह्वान आदि यथाशक्ति पूजन करें। ओम नमः शिवाय नारायणे दशराये गंगाए नमः। उक्त मंत्र से ही नमः के स्थान पर स्वाहा शब्द का प्रयोग करें करके हवन भी करना चाहिए। तत्पश्चात ओम नमो भगवती हे ह्रीम श्रीम हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पाव्य पाव्य स्वाहा। यह गंगा जी का मंत्र है। इसका अर्थ है कि हे भगवती गंगे, मुझे बार बार मिल, पवित्र कर इससे गंगा जी के लिए पंचोपचार और पुष्पांजलि अर्पित करके गंगा के उत्पत्ति स्थान हिमालय एवं उन्हें पृथ्वी लाने वाले राजा भागीरथ का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार गंगा का ध्यान और पूजन करके गंगा के पानी में खड़े होकर ओम अध इत्यादि से संकल्प करें कि ऐसे ऐसे समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर दशमी तक रोज रोज एक बढ़ाते हुए सभी पापों को नष्ट करने के लिए गंगा स्रोत का जप करूंगा। पूजा में 10 प्रकार के पुष्प, दशांग, धूप, दश, दीपक, 10 प्रकार के नवेद, 10 तांबुल एवं 10 फल होने चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए, किंतु उन्हें दान में दिए जाने वाले यव, जौ और तिल 16 16 मुट्ठी होने चाहिए। भगवती गंगा जी सर्व पाप हारनी है, अतः 10 प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए सभी वस्तुएं 10 की संख्या में ही निवेदित की जाती हैं। स्नान करते समय गोते भी 10 बार लगाए जाते हैं। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य इस दशहरे के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार इस स्रोत को पढ़ता है, चाहे वो दरिद्र हो चाहे असमर्थ हो, वह भी प्रयत्न पूर्वक गंगा जी का पूजा कर उस फल को पाता है। सब अवयों से सुंदर 3 नेत्रों वाली, जिसके की 4 भुज, रत्न कुंभ, श्वेत कमल, वरद और अभय से सुशोभित हैं। सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, मुक्ता मणियों से विभूषित है, सौम्य है, अयुक्त चंद्रमाओं की प्रभाव के सम सुख वाली है, जिस पर चांबर हुलाए जाते हैं, वौल श्वेत छत्र से भली भांति शोभित है, अच्छी तरह प्रसन्न है, वर देने वाली है, निरंतर करुणा दृचित है, भूत दृष्ट को अमृत से प्लावित कर रही है, दिव्य गंध लगाए हुए हैं, त्रिलोकी से पूजित है, सब देवों से अधिष्ठ है, दिव्य रत्नों से विभूषित है, दिव्य की माल्य और अनुलेपन है। ऐसी गंगा के पानी में ध्यान करके भक्ति पूर्वक मंत्र से अर्चना करें। ईश्वर बोले कि आनंद रूपनी आनंद के देने वाली गंगा के लिए बारंबार नमस्कार है। विष्णु रूपानी के लिए
और तुझ ब्रह्म मूर्ति के लिए बारंबार नमस्कार है। तुझ रुद्र रूपनी के लिए और शांकरी के लिए बारंबार नमस्कार है। भेषज मूर्ति सब देव स्वरूपनी के लिए नमस्कार है। सब व्याधियों की सब श्रेष्ठ वेधा तेरे लिए नमस्कार। स्थावर जगमों के विषय को हरने वाली आपको नमस्कार। संसार रूपी विष के नाश करने वाली एवं संतों को जिलाने वाली तुझ गंगा के लिए नमस्कार। तीनों तापों को मिटाने वाली प्राणेशी तुझ गंगा को नमस्कार। मूर्ति तुझ गंगा के लिए नमस्कार। सबकी संशुद्धि करने वाली पापों को बैरी के समान नष्ट करने वाली तुझ गंगा को नमस्कार। मुक्ति भुक्ति भ्रद भोग और उपभोगों को देने वाली भोगवती तुझ गंगा को तुझ मंदाकिनी के लिए देव वाली के लिए बारंबार नमस्कार। तीनों लोकों की भूषण स्वरूपा तेरे लिए एवं तीनों पंथों से जाने वाली के लिए बारंबार नमस्कार। इस दिन शिवलिंग की पूजा का भी विधान है। सकत पुराण में लिखा हुआ है कि जेठ शुक्ला दशमी सव सर्वमुखी मानी गई है। इसमें स्नान और दान तो विशेष करके करें। किसी भी नदी पर जाकर अर्घ एवं तिलोदक अवश्य करें। ऐसा करने वाला महापातकों के बराबर के 10 पापों से छूट जाता है। जैसे जेठ शुक्ला दशमी के दिन मंगलवार होता रहता है तो वह हस्त नक्षत्र जुता तिथि को यह सब पापों के हरने वाली होती है। वार पुराण में लिखा हुआ है कि जेठ शुक्ला दशमी बुधवारी में हषत नक्षत्र में श्रेष्ठ नदी स्वर्ण से अवतरण हुई थी। वह 10 पापों को नष्ट करती है। जेठ मास शुक्ल पक्ष बुधवार हस्त नक्षत्र गर आनंद व्यतिपात कन्या का चंद्र वृषभ के सूर्य इन 10 योगों में मनुष्य स्नान करके सब पापों से छूट जाता है। इस दिन सत्तू का भी दान किया जाता है। इस दिन गंगा अवतरण की कथा सुनने का विधान है। गंगा अवतरण की कथा, यह कथा संक्षेप में इस प्रकार है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। उनके एक पूर्वज थे महाराज सगर। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केशनी और सुमति नाम की 2 रानियां थी। केशनी के पुत्र का नाम असमंज था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सागर के असमंज सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक और देव गुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सागर ने अजय असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सागर के अन्य 60,000 पुत्रों ने देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को चुरा कर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यानविस्त मुनि इस बात को जान ना सके। सागर के 60,000 अंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को ना पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पताल तक मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जहां पहुंचे, वहीं घोड़ा बंधा देखकर वे क्रोधित हो शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या मल बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सागर के 60,000 उदंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमान घोड़ा ले जाओ और अपने पिता महाकाय पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उदंड अहंकारी और अधर्मी थे। इनकी मुक्ति तभी होगी जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श होगा। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पिता महाराजा सगर का यज्ञ पूरा कराया।
महाराज सगर के बाद अंशुमन राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंप कर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे, और तपस्या में ही उनका शरीरांत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्म जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न हो पिता माँ ब्रह्मा ने भागीरथी को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भागीरथी ने कहा, हे पिता माँ, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उनमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जनु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी कमंडल दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। यह देख ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भागीरथी ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देख वे ऋषि आश्रम पर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती है। भागीरथ की तपस्या से आवृत होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा शल्य शाल्म्य करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराजा भागीरथ के 60,000 पुरुष भस्म की डेरी बने पड़े थे। गंगा जी के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूपी हो दिव्य लोक को चले गए।